नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ताजनगरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली है। बता दें कि कोठी मीना बाजार में बसपा की तरफ से रैली का आयोजन किया गया है। रैली को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। कोठी मीना बाजार की रैली से बसपा सुप्रीमो चुनावी शंखनाद करेंगी। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में कन्हैया कुम्हार के ऊपर स्याही फेंकी गई। इसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पार्टी प्रत्याशी सदफ जफर के नॉमिनेशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे, इसी दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। सदफ जफर को कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ सेंट्रल से मैदान में उतारा है। NSUI के छात्र नेता स्याही फेंकने वाले को BJP का एजेंट बता रहे हैं। वहीं स्याही फेंकने वाले देवांश वाजपेयी की छात्र नेताओं ने जमकर पिटाई भी की है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की सभी सीटों समेत 10 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। जहां बख्शी का तालाब विधानसभा से गोमती यादव को टिकट मिला है, तो वहीं लखनऊ पश्चिम से अरमान को प्रत्याशी बनाया गया। लखनऊ में उत्तर से पूजा शुक्ला को टिकट दिया गया है। बता दें कि 2017 में पूजा शुक्ला सीएम योगी को काला झंडा दिखाने के बाद चर्चा में आई थी। लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया, लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ कैंट से राजू गांधी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बांदा की सदर सीट से सपा प्रत्याशी मंजुला विवेक सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। सपा प्रत्याशी दोपहर करीब 12 बजे अपने प्रस्तावकों के साथ सदर तहसील पहुंची और अपना पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि BJP से उनकी सीधी टक्कर है। मैं बांदा का विकास चाहती हूँ। जितना विधायक जी ने जितना विकास किया, कहीं उसके 10 गुना ज़्यादा मैं करूँगी। 24 घंटे मेरे लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं और आप लोग मेरा परिवार हैं। आपके लोग मेरा हमेशा सहयोग करेंगे, मैं जानती हूँ। और मैं बहुत बांदा को पलट के रख दूँगी बिल्कुल से। प्रत्याशी और सपा के बागी नेता मनोज प्रजापति ने अपना नामांकन दाखिल किया। मनोज प्रजापति समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। 2014 में हुए विधानसभा के उपचुनाव में मनोज प्रजापति के पिता शिवचरण प्रजापति सपा से विधायक रह चुके हैं। साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के उपचुनाव में मनोज प्रजापति सपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं इस बार चुनाव में सपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर उन्होंने 3 दिन पहले BJP का दामन थामा था, जिनको BJP ने हमीरपुर सदर से अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए मनोज प्रजापति ने कहा कि सपा में लोकतंत्र को खतरा था, सपा की विचारधारा छोड़कर BJP की विचारधारा को हमने अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे, चाहे आदरणीय योगी जी रहे, उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में जो उनकी विकास किया है, तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं, अगर गिनाएँ के मतलब फहरिस्त चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, बहुत सारी योजनाओं पर उन्होंने काम किया है। और उन्हीं योजनाओं को और आगे कार्य रूप देते हुए हम लोग पूरे देश को, प्रदेश को और विधानसभा को तरक्की के रास्ते पर तैयार करते हैं। क्या वजह रही कि एक आपने सपा छोड़ दी है और एकदम से भाजपा में शामिल हुए, सिर्फ टिकट के लिए तो नहीं है? टिकट कोई इशू नहीं है, टिकट को लेकर के हम यहाँ नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके से हमने अराजकता का माहौल देखा, परिवारवाद, और अगर हम विशेष रूप से हमीरपुर की बात करें और उस पार्टी की बात करें तो रिश्तेदारी मतलब तो एक प्राइवेट कंपनी बनकर के वो पार्टी रह गई है। सीतापुर में नामांकन के दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बता दें कि सीतापुर सदर से कांग्रेस प्रत्याशी शमीना शफीक भारी तादाद में समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंची थी। इस दौरान किसी ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव में विकास को बड़ा मुद्दा बताया। देखिए, 3 मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं जनता के पास जा रही हूँ। सबसे पहला है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन 3 मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं और हम सिर्फ एक निवेदन कर रहे हैं, एक बार हमें मौका दीजिए। इस सीतापुर को 20 साल की विधायकी ने कुछ नहीं दिया, 15 साल की चेयरमैनी ने कुछ नहीं दिया। अगर पूरा टोटल देखा जाए तो लगभग 25 से 35 साल तक
इससे सीतापुर जिले को, शहर को विकास की मुख्य धारा से दूर रखा गया है। मैं विकास के मुद्दे को लेकर आई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि विधायक का जो काम होता है वो और बहुत कुछ होता है अलावा इसके कि वो सड़कें बनवाए। संभल के नगीना लोकसभा क्षेत्र से बसपा सांसद गिरीश चंद ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताते हुए कहा कि जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है गुंडागर्दी अपने चरम पर रही है। संभल के चंदौसी विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे नगीना सांसद गिरीश चंद ने गाजियाबाद में सपा कार्यकर्ताओं के पत्रकार को पीटे जाने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज हमेशा से चरम पर रहा है और जब जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है गुंडागर्दी जमकर हुई है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के आने का भी दावा किया। वहीं चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह ने कहा कि उन्हें लोगों का अपार जन सहयोग मिल रहा है और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र का चहुंमुखी विकास कराएंगे। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से चंदौसी विधानसभा में हमारे होने वाले भावी विधायक भाई डॉक्टर रणजीत सिंह जी, आज उनके कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन के मौके पर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ और यहाँ पर जो जनसैलाब पूरे क्षेत्र के संभ्रांत लोगों का मुझे देखने मिला, उसने तय कर दिया है कि आने वाले 2022 का चुनाव जो 14 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, निश्चित तौर पे भाई रणविजय जी यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे और निश्चित तौर पे चंदौसी विधानसभा का, जिस तरीके से मैंने लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम किया है, उससे अच्छी सेवा करने का काम भाई डॉक्टर रणविजय जी करेंगे। माननीय बहन जी का आशीर्वाद से और हमें माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ विधानसभा चंदौसी का प्रत्याशी पार्टी के द्वारा बनाया गया है और मैं निश्चित तौर से यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि 19 तारीख को यहाँ कार्यक्रम किया था जिस दिन मेरे टिकट की घोषणा करने वाले सांसद जी और हमारे नायन साहब यहाँ पहुँचे थे, सब मीडिया के साथ ही यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने उस दिन अनाउंस किया और जब से मैंने जनता के बीच में जाने का काम किया और जनता का आभार वो बहुत भरपूर प्यार और इसने मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 14 तारीख को जनता एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में डालकर अपने यहाँ सेवा करने का मुझे मौका जरूर दे। संभल में बीजेपी प्रत्याशी के सामने प्रचार के दौरान ग्रामीणों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि गुन्नौर विधानसभा से मौजूदा विधायक और प्रत्याशी के सामने प्रचार के दौरान ग्रामीणों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही महिलाओं और बच्चों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को बिना प्रचार के ही वापस लौटना पड़ा। वहीं सोशल मीडिया पर हंगामे का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गुन्नौर विधानसभा से अजीत कुमार उर्फ राजू यादव मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहीं सपा ने राम खिलाड़ी यादव को टिकट दिया है। उन्नाव में चौथे चरण के नामांकन के पांचवें दिन कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमागहमी रही जिसमें उन्नाव के सफीपुर से सपा प्रत्याशी सुधीर रावत अपना नामांकन कराने पहुंचे, साथ में मौजूदा जिलाध्यक्ष को पुलिस ने बैरिकेटिंग पर ही रोक लिया जिससे नाराज जिलाध्यक्ष ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष को समझाने पहुंचे क्षेत्राधिकारी मोहन और क्षेत्राधिकारी सदर बार बार समझाने के बाद भी जिलाध्यक्ष ना माने और क्षेत्राधिकारी मोहन पर जबरदस्ती उठाने का आरोप लगा दिया। क्षेत्राधिकारी सदर और मोहन काफी देर तक समझाने और माफी मांगने के बाद जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने अपना धरना खत्म किया है। चौथे चरण के नामांकन के छठे दिन पीलीभीत में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की तरफ से सदर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक संजय सिंह गंगवार और बीसलपुर विधानसभा सीट से विवेक वर्मा ने अपना नामांकन किया तो वहीं बसपा की तरफ से एकमात्र पर्चा बीसलपुर विधानसभा सीट से अनीस अहमद उर्फ फूलबाबू ने दाखिल किया तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बरखेड़ा विधानसभा सीट से एक बेहद अलग अंदाज में हरप्रीत चब्बा ने अपना नामांकन किया। हरप्रीत चब्बा नामांकन दाखिल करने ट्रैक्टर पर बैठकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे तो वहीं बीसलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की दिव्या गंगवार ने भी अपना नामांकन किया। बता दें कि चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया 3 फरवरी तक होगी जिसको लेकर पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन कराने पर जुट गई हैं।
हाँ मुद्दों को जो मेन मुद्दा है जो हमारा विकास के नाम पर है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, हम विकास के नाम पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी कई सालों से जो है हमारी बीसलपुर विधानसभा विकास से अछूती रही है और यही हमारे चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। और इन्हीं मुद्दों देखिए पहली बार के विकास सब दिख रहा है। नौजवानों के लिए खमीर का प्लांट का काम भी शुरू हो गया, मेडिकल कॉलेज भी आ गया, शहर भी अच्छा हो गया, सड़कें भी बहुत सारी हम लोगों ने बनाई, 210 किलोमीटर के आसपास सड़कें बनी। काम गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, सबको पता है और आप सब लोगों को भी उस चीज़ की जानकारी है। स्थानीय स्तर पर अभी हम लोगों को एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कॉलेज की आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर बीएससी यहीं पे शुरू हो। देखिए किसान का पुत्र हूँ तो ट्रैक्टर से तो आना ही था। दूसरी बात यह है कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, मंडीकरण है, एमएसपी है, अभी किसानों को कुचला गया, उन्हें न्याय नहीं मिला, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी समस्याओं का हल जो है वो किसान का बेटा ही कर सकता है। दूसरे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो दोनों सहपाठी रहे हैं और अभी आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा होगा कि उन लोगों ने किस तरह से बंदरबांट किया पैसे का। पहले एक भाई को लेके आए और लाने के बाद जो है 2-2 करोड़ रुपए इकट्ठे एक जेब में डाले, उसमें डाले और उसके बाद वापस बीजेपी को दे दिया। आगरा में 100 साल से ज्यादा उम्र के फकीर बाबा ने योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी। उनका कहना है कि योगी संत हैं और इस बार फिर से शपथ लेंगे चाहे कोई भी पार्टी जीते। इसके लिए फकीर बाबा 41 दिनों की विशेष समाधि लेने जा रहे हैं और साधना भी करेंगे। मतगणना के बाद ही उनकी समाधि खत्म होगी। ताजमहल पूर्वी गेट के पास पिछले 40 सालों से फकीर बाबा उर्फ राम प्रकाश शर्मा मंदिर में रह रहे हैं। क्षेत्र में बाबा के हजारों अनुयायी हैं। उनके अनुयायियों के अनुसार बाबा की उम्र 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अनुयायी मनोज के अनुसार बाबा ने कई असाध्य रोगियों को दुआ से सही किया है। उनके गुरु ने उनको शक्तियां दी हैं। बाबा पहले फतेहपुर सीकरी की शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर भी सालों साधना कर चुके हैं। ताजगंज शमशान में भैरव बाबा के मंदिर पर भी उन्होंने काफी समय तक साधना की है। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में चमत्कार की कोई पुष्टि नहीं करता है। जी हमारी 8 बांव में बुटिया है, हम किसी की नहीं मानते, हम अपने 8 बांव के विचारों को मानते हैं। जैसे बैठ गई तो विचार आ जाता है। मतलब आपकी अंतर आत्मा ने बोला कि आप योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनने चाहिए। हाँ। कितने दिन के लिए आप ध्यान में जा रहे हैं? हमने तो थोड़ा लंबा लिया है, 41 दिन का। 41 दिन में तो 41 दिन पूरे ध्यान में लिप्त हो जाएंगे आप योगी जी के? हो जाएंगे। उन्होंने लिया उसको मारा और एक डंडा रखा रहता है, उन्होंने अपने मारा तो उनके खून निकलने लगा। तो बाबा पूरे दिन और रात पता नहीं उनकी दिनचर्या का, वो साधना में लीन रहते हैं। और सुबह 6 बजे आओ, 5 बजे आओ, मैं तो कई बार 6 बजे आता हूँ क्योंकि यहाँ लोग मेला लग जाता है तो मैं कुछ पूछने नहीं आता हूँ। मेरा भी एक अध्यात्म का विषय चल रहा है इसलिए मैं उनके पास। पीलीभीत में पत्रकार और वकील प्रदीप कुमार ने जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कराया तो चर्चा का विषय बन गया। पेशे से अधिवक्ता और पत्रकार प्रदीप कुमार ने बीसलपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक रामशरण वर्मा पर तमाम संगीन आरोप लगाए। प्रदीप का कहना था कि बीजेपी विधायक अक्सर उन पर झूठे मुकदमे अपने गुर्गों और पुलिस पर दबाव बनाकर लिखवा देते हैं, ऐसे में मैं खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। प्रदीप का कहना है कि वो खुद विधायक बनकर इन सब प्रताड़ना से निजात पाना चाहते हैं। मौजूदा समय में बीसलपुर से रामशरण वर्मा विधायक हैं और इस बार वो अपने बेटे विवेक को मैदान में बीजेपी से लेकर आए हैं। हमारे खिलाफ भाजपा विधायक जो रामशरण वर्मा है आए दिन मुकदमे लिखवा देते हैं झूठे, पुलिस उनके कहने पर लिख देती है। इसे प्रताड़ित होकर हम विधायक चुनाव के प्रत्याशी बन के आया हूँ। 130 विधानसभा नामांकन करने पर्चा मैं पहले ले गया था, आए दिन मेरा शोषण करते रहते हैं। तो आप ये मानते हैं कि अगर विधायक बन जाएंगे तो सबसे ताकतवर विधायक होता है, तब आप मुकाबला कर लेंगे? हमें तो यही लग रहा है, लगातार मेरा शोषण हो रहा है। वर्तमान में मेरे खिलाफ एक मुकदमे की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, वो भी उसी में इन्होंने लिखवाया था अपने गुर्गे गुलाम नबी से और बहुत खतरनाक सेक्शनों में। क्या अपराधी लेके सुनिश्चित हैं क्या आपने? अब जीत हल्के चल के एकदम तो नहीं कह सकते हैं भैया, सहयोग देखो जो भी पब्लिक करे जैसा भी करेगी ये रहेगा। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें।
सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुंच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर डीएम उमेश मिश्रा, एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और सीडीओ केपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अब की बार जिले की 8 विधानसभाओं में किस तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रशासन और सामाजिक संगठन सहित प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए एक कैंपेनिंग की जाएगी। इस कैंपेनिंग के तहत शहरी क्षेत्र से लेकर गांव क्षेत्र के मतदाता को किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाए, इसके लिए डीएम ने सीडीओ के साथ मिलकर रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत सामाजिक संगठन सहित समाज के खिलाड़ी, प्रतिभाशाली युवा और अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करके अब की बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा। मैं यह जानता हूं कि आपको मेरे भविष्य की बहुत बड़ी चिंता रहती है तथा आप मेरे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मतदान करना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने लोकतंत्र को सशक्त बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग करना होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आगामी दिनांक 14 फरवरी 2002 को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे तथा अन्य मतदाताओं को भी अपने मत का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करेंगे। ये तो जैसे बच्चे की तरफ से, बच्ची या बच्चा कोई है अपने मदर फादर के लिए। एक ये बात ये है कि सेंसिटाइज करने के लिए, लोगों में ये फील आने के लिए, बच्चा भी लिखेगा तो वो कहीं ना कहीं उस दिन कहेगा कि पापा मैंने आपको ये लिख के दिया था, आपने भी उसको जा नहीं गए। चुनावों के मद्देनजर बलिया पुलिस और एटीएस वाराणसी की संयुक्त टीम की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 5 अवैध पिस्टल, 10 मैगजीन और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान बिहार से आ रही स्कॉर्पियो से सामान की बरामदगी की गई है। वहीं गिरफ्तार 5 अभियुक्तों के खिलाफ दुभर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, जनपद बलिया में विभिन्न समय पे विभिन्न विभिन्न जगहों पे पुलिस और अन्य यूनिट्स के द्वारा चेकिंग चल रही होती है और आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हमारे 22 बैरियर पॉइंट एवं एफएसटी और एसएसटी की टीम द्वारा लगातार चेकिंग चल रही है। इन्हीं चेकिंग अभियान के क्रम में कल बलिया पुलिस एवं एटीएस बनारस फील्ड यूनिट की संयुक्त चेकिंग टीम को एक कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें बिहार की तरफ से एक गाड़ी की चेकिंग करने पर इसमें 5 लोग 5 अवैध असला और 10 मैगजीन के साथ पकड़े गए हैं। यह 5 लोग जनपद बलिया के रहने वाले हैं और इस संबंध में थाना दुबड़ पे धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में गौवंश पर हो रहे अत्याचार को लेकर डीएम ऑफिस के बाहर हनुमंत जीव आश्रय सेवा संस्थान के अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी ने
आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मीडिया से बात करते हुए गौरक्षक अखिलेश अवस्थी ने बताया कि सत्ता के लोग गौवंश को लाकर जहां तहां भर रहे हैं, वहां ना तो उनके खाने की कोई व्यवस्था है और ना ही सर्दी से बचने का कोई इंतजाम है, जिसको लेकर उन्होंने डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की है। ये परिस्थितियां आज नहीं बनी है, ये परिस्थितियां 10 वर्ष पहले बनी थी, जब हमने स्वयं को इन बेजुबानों की सेवा के लिए समर्पित करने का प्रयत्न शुरू किया था। इस बीच जब चुनाव आए हैं तो ये सत्ता दल के लोग अपने वोट बटोरने के लिए उन गौवंशियों को भूसे की तरह वहां से भर भर कर पीट पीट पर कर ला रहे हैं, और जहां बंद कर रहे हैं वहां न तो उनके जाड़े से बचने की व्यवस्था है, न तो उनके खाने पीने के प्रबंध हैं। हालात ये हैं कि एक एक गौ आश्रय में दर्जनों गौवंशीय रोज मर रहे हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बिक्री होने की जानकारी मिलने पर दबिश देने गई। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस के ऊपर बदमाश की तरफ से फायरिंग की गई। वहीं जवाबी फायरिंग में अपराधी महेंद्र रस्तोगी घायल हो गए, जिसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। बदमाश ठाकुरगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र रस्तोगी पर 15 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है, साथ ही वो कई बार जेल भी जा चुका है। बलिया में रास्ते के विवाद को लेकर गोली चलने का एक मामला सामने आया, जिसमें गोली लगने से सुभाषपा के रसरा विधानसभा अध्यक्ष के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारपीट हुई, जिसके दौरान गोली चली। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वाराणसी के लिए रेफर किया गया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। नरसला अंतर्गत ग्राम नगर में दो पक्षों में झगड़े में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना है। उस संबंध में भी मैं जिला अस्पताल आया था, बताया गया कि जो घायल है उसकी कंडीशन स्टेबल है, फिर भी एहतियातन बेहतर ट्रीटमेंट हेतु उसको यहां से रेफर कर दिया गया है। उपरोक्त मामले में जो घायल पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर अन्य पक्ष के दो लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की। सर ये कैसा विवाद है? ये जो पता चल रहा है कि कल रात को एक घर पक्ष के यहाँ पे तेरही के कार्यक्रम में घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल से रास्ता ब्लॉक होने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके संबंध में आज इनके बीच में बात करते समय वाद विवाद हुआ है, जिसके क्रम में आगे घटना हुई है। बाकी जो तफ्तीश में आएगा आप लोगों को अवगत करवाएगा। बांदा में लोडर में आग लगने का एक मामला सामने आया। बता दें कि मामला छानी मुदेला का रहने वाला मुकेश कुमार बबेरू सामान छोड़ने के बाद वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। टक्कर लगने से लोडर में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर प्रभुराज सिंह और कुरसेरा चौकी इंचार्ज केदर त्रिपाठी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मुकेश की लोडर में ही जलकर मौत हो चुकी थी। ये तिंदवारी से हमीरपुर पपरेंदा होते हुए जा रहे थे। समय लगभग 9 बजे आज रात्रि में ये धान की भूसी हुई वो धान की बोरियां भरी हुई ट्राली खड़ी हुई थी, इससे टकरा कर गाड़ी में इनकी आग लग गई थी। तत्काल थाना पुलिस ने हम लोगों ने आग बुझाकर इनकी बॉडी को बाहर निकाला है और पंचायतनामा भरवा कर इसको PM हेत भेजा जा रहा है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। मुरादाबाद के एक रोटिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां पर खेत में काम कर रहे किसानों को तालाब में युवक का शव तैरता हुआ दिखा। शव को देखते ही किसान दहशत में आ गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये नियामत पर एक रोटिया है, झील में मिली है। झील में जी, किस टाइम की सूचना थी आपके पास? 8 बजे की। ये बंदा क्या क्या पहने हुए? ये काली जर्किन, लीला रंग के सूटर, लाल सफ़ेद चेक की शर्ट और गर्म पजामी। कोई एड्रेस वगैरह मिला इसकी शनाख्त हुई कुछ? नहीं, कोई एड्रेस नहीं। ग्राम पंचायत में मेरे बड़े भाई अशोक कुमार प्रधान हैं। सुबह प्रधान जी का नंबर बंद था तो मेरे नंबर पे गांव से एक फ़ोन आया कि आपके गांव में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैंने गाँव के दो एक लोगों को और सूचना करी तो वो लोग और हम, फिर मैंने उसके बाद जो SHO मुंडा पांडे को फ़ोन करा और हम लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी तालाब में।
पुलिस प्रशासन भी वहाँ पहुँच गया, ग्रामीणों की मदद से और पुलिस वालों की हेल्प से वो डेड बॉडी बाहर निकाली गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।